एशियन पेंट्स लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। दूसरी तिमाही के नंबर्स आने थे 21/10/2021 को, तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, उसकी बात करेंगे। स्टॉक में गिरावट दिख रही है, ऊपर के लेवल से गिरा है, ये 3500 के आसपास से गिरा है। अगर कोई ट्रैप हुए हैं तो उनको क्या करना चाहिए, जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो उनको क्या करना चाहिए। डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, जिन निवेशकों के डीमैट में शेयर पड़े हुए हैं तो उनको डिविडेंड भी मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले इसके नंबर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों ये एशियन पेंट्स के दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं, और सीधे से देखिए टोटल इनकम की बात करते हैं, करोड़ में नंबर हैं ये, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। टोटल इनकम जो हुआ है अब की बार 7234 करोड़ का हुआ है, और पिछली बार था देखिए 5432 करोड़ का, और Q1 में था 5674 करोड़। तो देखिए इनकम तो बढ़ के आया है, टोटल इनकम बढ़ के आया है एशियन पेंट का दूसरी तिमाही में। और आगे की तरफ दे चलते हैं और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये है, और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं सीधे उसी के अनुसार प्रॉफिट भी आ जाएगा। 6418 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है इस क्वार्टर में, पिछली बार 4299 करोड़ और Q1 में 4893 करोड़। तो रेवेन्यू भी बढ़ा है और एक्सपेंसेस भी बढ़ा है, बट रेवेन्यू जो है जो सेल्स हुआ, रेवेन्यू जो है 7234 करोड़ का है, तो एक्सपेंसेस किया है 6418 करोड़। तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखते हैं तो 605 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, पिछली बार था 851 करोड़ का और Q1 में था 574 करोड़। तो पिछले साल से कम हुआ है और क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के आया है। EPS की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, तो देखिए 6.21 का है दोस्तों, और पिछली बार था 8.66 का था और Q1 में था 5.93 का। तो एशियन पेंट्स का जो नंबर्स हैं दोस्तों एक तरह से मिले जुले हैं, इसमें रेवेन्यू बढ़ के आया है, बट ये कि प्रॉफिट कम हुआ है पिछले साल के अनुसार, पिछले साल के अनुसार एक तरह से प्रॉफिट कम हुआ है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो बढ़ के आया, तो मिले जुले नंबर कह सकते हैं। दोस्तों अब डिविडेंड की बात करते हैं, तो कंपनी ने दूसरी तिमाही में 3.65 रुपये का डिविडेंड दिया है पर इक्विटी शेयर, और रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं तो 29 अक्टूबर 2021, एंड डिविडेंड विल बी पेड टू द शेयर होल्डर ऑन आफ्टर वेनसडे 10 नवंबर 2021। तो जिनके डीमैट में शेयर होंगे 3.65 रुपये के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। दोस्तों जैसे कि हमने रिजल्ट को देखा तो एक तरह से मिला जुला रिजल्ट कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक तरह से बढ़ के आया, प्रॉफिट में थोड़ी बहुत कमी पेशी है पिछले साल के अनुसार। और चार्ट में देखते हैं तो स्टॉक अप ट्रेंड में बना हुआ था, बट 3500 रुपये इसने हाई बनाया, 3505 रुपये इसने हाई बनाया, वहाँ से एक तरह से गिरावट में देखिए। और ये पिछले महीने था 24/9/2021 को इसका हाई बनाया था, उसके बाद इसमें गिरावट रही है, और आज के दिन देखते हैं तो 3000 के आसपास आ गया है। एक तरह से 500 पॉइंट का करेक्शन हो गया है। एशियन पेंट शानदार कंपनी है, अगर पेंट्स कंपनी में देखें शानदार कंपनी है, और पोर्टफोलियो वाला स्टॉक रहा है, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, अब की बार थोड़ी बहुत इसमें ज़्यादा गिरावट हुई है। अब देखिए स्टॉक को ऊपर जाने में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, जैसे कि इसकी क्लोजिंग है 3000 के आसपास। अब जो ये हर्डल है, अब जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ तो 3145, और जो आज का ओपन और हाई है 3192, 3200 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज होता है तो इसका सबसे बड़ा हर्डल होगा दोस्तों ये रहेगा, जहाँ से ये गिरावट आई है 3320 और 3330, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब ये फिर अपना जो इसने हाई बनाया है 3500 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ा बहुत इसमें समय लग सकता है, अगर इसके बीच में किसी ने लिया है, ट्रैप हुए हैं, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और नेक्स्ट क्वार्टर तक हो सकता है इसमें एक अच्छा जंप आता हुआ दिखे। डिविडेंड लीजिए, और बेहतरीन कंपनी है, अगर पेंट्स का में देखते हैं तो बेहतरीन कंपनी है एशियन पेंट। और यहाँ पे देखिए अब क्या हो सकता है, जो जिन्होंने अगर लिया है मार्जिन में लिया है, तो इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए आज का लो होना चाहिए दोस्तों, ये है 2924.65 रुपये जो कुछ दिन के लिए ट्रेड करते हैं, तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि अगर ये समझे कि 3240 या 3250 के आसपास जाता है, तो इसमें थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा कुछ दिन के लिए, और जैसे कि बताया कि बड़ी तेजी आने की संभावना 3320 के ऊपर ही रहेगी दोस्तों।
और स्टॉक अगर थोड़ा और गिरता है, नीचे की तरफ आता है, तो डेफिनेटली इसको नज़रों में रखिए। और जिनके पास नहीं है एशियन पेंट में, अगर जिनके पास नहीं है, अगर पेंट्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन कंपनी है। और कुछ समय के बाद हमें ये ऊपर की तरफ दिखेगा, बट अभी जो सिचुएशन है और स्टॉक में गिरावट है, चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते तो बेरिश मोड बना हुआ है, और थोड़ा बहुत इसको ऊपर की तरफ जाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। तेजी जो है 3320 के ऊपर आएगी। स्टॉक अगर गिरता है, नीचे की तरफ दिखता है, 2800 के आसपास भी दिखता है, तो इसको बाय करना चाहिए। जो तो दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम के अनुसार जो चार्ट बना उसके अनुसार है, और बेहतरीन कंपनी है एशियन पेंट लिमिटेड, पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है। और जो Q2 का रिजल्ट है मिला जुला है, रेवेन्यू बढ़ के आया है, प्रॉफिट में थोड़ी बहुत कमी पेशी है पिछले साल के अनुसार, डिविडेंड दिया है कंपनी ने, जो ट्रैप हुए हैं डिविडेंड लीजिए। तो दोस्तों ये एशियन पेंट का अपडेट था। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।